चलाए, छल और कपट से हमको बचाए। जीवन की राहों पर हमको चलाए, छल और कपट से हमको बचाए। अच्छे बुरे की पहचान कराए, जीवन पथ को रोशन बनाए। अच्छे बुरे की पहचान कराए, जीवन पथ को रोशन बनाए। ये है जातक कथाएं, ये है जातक कथाएं, ये है जातक कथाएं। सुनिए, क्या हम सच में अपने बच्चे को मठ भेज देंगे? मतलब आपको नहीं लगता कि इस फैसले के लिए वो अभी बहुत छोटा है? ओफो सरस्वती, तुम भी न बस। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, परंतु क्या करूँ, माँ हूँ ना, अपने बच्चे को अपने से दूर कैसे भेज सकती हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि उसके इस फैसले से मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, परंतु कहीं ना कहीं इसमें मेरा स्वार्थ भी है। चलिए आप ही बताइए, हम कैसे उसके बिना यहाँ रहेंगे? सरस्वती, तुमने देखा नहीं उसका चेहरा कितना शांत, कितना स्थिर था? वो कितनी खुशी खुशी अपने मर जाने की तैयारी कर रहा है, और तुम बेकार में चिंतित हो रही हो। हाँ, पर मैं चाहती हूँ कि आप उसे जाने से रोक लें। नहीं सरस्वती, ये नहीं हो सकता। अच्छा ये बताओ, तुम उसे क्यों रोकना चाहती हो? इसीलिए कि वो तुम्हारे साथ रह सके, या यूं कहूं कि उसके बिना तुम्हारा मन नहीं लगेगा? क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि इन सभी प्रश्नों में तुम सिर्फ अपना सोच रही हो? नहीं, मैं अपने बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि हमारे बिना कहीं वो अकेला ना रह जाए। वो भी बहुत छोटा है, इसलिए तुम ऐसा सोच रही हो, पर कल जब वो बड़ा होगा तो जीवन की हर समस्या का समाधान उसे अकेले करना होगा। उस समय ना तुम उसके पास होंगी और ना मैं। हाँ, आप शायद ठीक कह रहे हैं, मैं बेकार में परेशान हो रही हूँ। चलिए, मैं उसके जाने की तैयारी करती हूँ। हाँ, हमें उसके उज्जवल भविष्य की कामना करनी चाहिए। चलो। दाऊ, मम्मा जा। बेटा, अब तुम्हारे जीवन में सत्य का अन्वेषण ही एकमात्र उद्देश्य है। हाँ बेटा, ये यात्रा बहुत लंबी होने वाली है, तो कभी भी अपने मन पर ये मत लाना कि घर पर माता पिता कैसे रह रहे होंगे, या माँ कैसी होगी, क्या कर रही होगी, ठीक है? तुम्हें इस जीवन में सत्य का उद्घाटन करने का अवसर मिल रहा है, बहुत कम लोगों को ये अवसर मिलता है। तुम्हें मिल रहा है तो इसका पूरा लाभ उठाना। और जब भी हमारी याद आए तो भगवान बुद्ध की उस बात को हमेशा याद रखना, अपो दीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो और ज्ञान के अंधकार को दूर करो, ठीक है? दादी, मैं इस अवसर का लाभ उठाऊंगा। छोटा सा है मेरा बच्चा। चलो, अब तुम्हारे मठ जाने का समय निकट आ गया। Thank you.
प्रणाम भंते। प्रणाम भरन। भंते, एक प्रश्न मेरे हृदय को व्याकुल कर रहा है। क्या विषय है मदन, क्या बात है? आखिर इतनी छोटी उम्र के बालक को इस मठ में कैसे लिया जा सकता है? उसकी उम्र केवल 10 वर्ष है। लेकिन भदंत, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। व्यक्ति की आयु का सत्य की खोज से क्या संबंध है? यदि वो बालक सांसारिक सुखों का त्याग कर सत्य की खोज करना चाहता है तो इसमें भला हमें क्या आपत्ति हो सकती है? परंतु जब किसी जीव को अपनी देह संभालने का सामर्थ्य ही ना हो तो वो पहले अपनी देह की जिम्मेवारी संभाले या सत्य की खोज करे? मेरा तो मानना है कि उस बालक को स्वस्थ और व्यस्क होने तक स्वयं की देखभाल करनी चाहिए। मन स्वस्थ है तो प्रवृत्तियां भी चंचल नहीं होती। बीच में बोलने के लिए क्षमा पाड़ती हूं, पर मुझे लगता है कि इंसान की आयु का उसके मानसिक परिपक्वता से कोई लेना देना नहीं है। लगता है मेरी अनुपस्थिति में किसी विषय को लेकर आप लोगों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया है। भंते, हमारे सामने एक विषय पर विचारों के टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हम चाहें तो आज के हमारे विषय से पहले हम आपकी समस्या पर विचार कर सकते हैं। हम इस मठ में आने वाले सबसे नए सदस्य के बारे में बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि इसे अभी पढ़ाई लिखाई और खेल कूद में समय बिताना चाहिए, फिर ये भिक्षु क्यों बनना चाहता है? मुझे लगता है कि इसमें विवाद का कोई विषय ही नहीं है। यह सत्य है कि बच्चों को शिक्षा और खेलकूद में ध्यान देना चाहिए, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई असाधारण व्यक्ति सांसारिक बेड़ियों से खुद को अलग करके सत्य को खोजना चाहे तो उसे इससे रोका भी नहीं जाना चाहिए। भंते, आपने जो बात कही है उससे तो इस विवाद का कोई समाधान होता नहीं दिखता है। कई बार साधारण बात भी कठिन लगने लगती है। संभव है मैं आपकी शंकाओं का समाधान नहीं कर पाया, लेकिन अब जो मैं बात आपको बताऊंगा उससे संशय के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। कहते हैं मखदेव 100 साल से भी ज्यादा जीवित रहा। अद्भुत बात यह थी कि मखदेव युवावस्था का काल निकल जाने के बाद भी एक युवक जैसा ही स्वस्थ और आकर्षक दिखता था। किसी भी खेल प्रतियोगिता या हथियार चलाने की कला में वो युवाओं को भी पछाड़ देता था। आचार्य श्री, तो क्या राजा मखदेव हमेशा वैसा ही स्वस्थ और शक्तिशाली बना रहा? गुरुदेव, क्या कोई ऐसी दवा है जिसके सेवन से सदैव युवा ही रह जा सकता है? गुरुदेव, क्या यौवन जीवन के लिए इतना आनंददायी होता है कि लोग उसके लिए ललायत रहते हैं? क्या राजा मखदेव की आयु के साथ उनका बल बना रहा? नहीं, ऐसा किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। तो फिर राजा मखदेव अपवाद कैसे हो सकता था? लेकिन उसके दीर्घायु या चिर युवा होने से हमारे विषय का क्या संबंध? क्या लंबी आयु का सत्य की खोज से कोई संबंध है? क्या छोटी आयु में सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता? या अधिक उम्र होने पर ही अनुभवों से हम सत्य के बारे में अधिक जान पाते हैं? संबंध है। बढ़ती आयु और मृत्यु के अंतिम सत्य से मखदेव अनभिज्ञ था। एक दिन मखदेव को जब अपनी आयु के बारे में विचार आया तो उसने अपने दासों को आदेश दिया कि वो नाई को बुलाकर लाए। हमारे केस संवारने वाले नाई को तुरंत प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज मखदेव की जय हो। सेवक प्रस्तुत है सम्राट, आज्ञा दें। हमने तुम्हें यह कहने के लिए यहां बुलाया है कि जब भी हमारे केश काटते समय तुम्हें एक भी बाल सफेद दिखाई दे तो तुम हमें अविलंब सूचित करोगे। जो आज्ञा महाराज। महाराज,
आपके राज्य में प्रजा बहुत खुश है, चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ रही है। इस बार वर्षा अच्छी होने के कारण खेतों में फसल भी बहुत उत्पादन हुआ है और प्रजा में हर तरफ सुख शांति का माहौल है। सीमाओं की क्या स्थिति है महामंत्री? अभी हाल ही में मिली विजय के बाद क्या अभी कोई ऐसा राज्य है जो हमारे साम्राज्य के सामने सिर उठाने की हिम्मत रखता है? नहीं महाराज, आपकी विजय पताका पूरे विश्व में फैल रही है। बहुत अच्छा महामंत्री। हमारी सीमाओं का विस्तार पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक होना चाहिए। आप शीघ्र अतिशीघ्र उत्तर के पहाड़ों की तरफ एक अपना गुप्तचरों का दस्ता भेज दीजिए और दक्षिण के पठारों में भी पता लगाइए वहां हमारे साम्राज्य विस्तार की क्या स्थितियां हैं। जो आदेश महाराज। भंते, हम अब भी इस कहानी और हमारे विवाद के विषय में संबंध नहीं खोज पा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि मखदेव की तरह ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी समय के गर्भ में छिपा है। क्षमा करें भंते, हम संभवतः आवश्यकता से अधिक अधीर हो उठे। समय बीतने के साथ साथ नाई को दिए हुए आदेश को राजा मखदेव भूलते चले गए और भोग बिलास में लिप्त हो गए। महाराज, महाराज अगर अभय दे तो एक बात कहनी थी। कहो, निर्भय होकर कहो। महाराज आपको याद होगा आज से 5 वर्ष पूर्व आपने मुझे एक आदेश दिया था कि यदि आपके सिर पर एक बाल सफ़ेद दिखाई दे तो आपको सूचित करें, मगर मुझे आपके सिर पर आज तक कोई सफ़ेद बाल नहीं दिखाई दिया। किंतु 5 वर्ष बाद आज मुझे आपके सिर पर एक सफ़ेद बाल दिख गया है। यदि ऐसा है तो इसे उखाड़ कर शीघ्र हमारी हथेली पर धरो। लीजिए महाराज, अब आपके सारे केश पहले की तरह काले हैं। सुनो नाई, ये एक सफ़ेद बाल तोड़ने से भले ही तुम्हें मेरे सारे केश काले क्यों ना लग रहे हों, किंतु ये एक सफ़ेद बाल मेरी मृत्यु का प्रतीक है। ये एक सफ़ेद बाल
प्रतीक है कि मेरी युवावस्था अब ढलान पर है। सिर के सफेद होते हर एक बाल संकेत करते हैं कि व्यक्ति धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। हमने सदैव इस बात की उपेक्षा की, किंतु आज इस सफेद बाल ने हमें बता ही दिया कि आयु स्थिर नहीं है, मृत्यु ही अटल है। महाराज, एक बाल मृत्यु का प्रतीक? सेवक कुछ समझा नहीं, संभवतः इतना ज्ञान मुझमें नहीं होगा। तुम ये नहीं समझोगे, हमें अकेला छोड़ दो। ये मैंने क्या किया? मुझे असाधारण रूप से दीर्घायु होने का अवसर मिला, मैंने इसे गंवा दिया। इस लंबी आयु का सही उपयोग करने के स्थान पर मैंने सारा समय भोग विलास में व्यतीत कर दिया। मैं चाहता तो अपनी लालच और जलन जैसी दुर्भावनाओं को समाप्त कर सकता था। अपनी लंबी आयु, अपनी शक्ति, अपनी धन संपदा के उपयोग से हजारों लाखों वंचित लोगों के जीवन को परिवर्तित कर सकता था। यदि मैं ऐसा करता तो जन्म मृत्यु के चक्र के भय से स्वयं को मुक्त कर सकता था। लेकिन 100 साल से लंबा समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। हथेली पर रखे उस एक सफेद बाल ने राजा मखदेव को जीवन की भंगुरता के बारे में सजग कर दिया। और एक दिन राजा मखदेव ने सारे दरबारियों को बुलावा भेज दिया और साथ ही अपने बेटे को भी दरबार में उपस्थित होने को कहा। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान रहो। आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने एकाएक आप सबको राज दरबार में क्यों बुलाया है। जी महाराज। मैंने निर्णय लिया है कि मैं राजपाट छोड़कर सन्यासी जीवन बिताना चाहता हूँ। मैं अपनी समस्त व्यक्तिगत पूंजी राज्य में बंटवाना चाहता हूँ और राजपाट अपने सबसे बड़े बेटे को सौंपता हूँ। महाराज, आपका निर्णय सिर आंखों पर, लेकिन आपका फैसला विचलित करने वाला है। आपने इस माह के अंत में वसंत के त्योहार की तैयारी करने का आदेश दिया था। पुत्र, ये विचार एकाएक ही आ गया, परंतु ये विचार अत्यावश्यक भी है। मुझे लगता है कि अब राजपाट से दूर मुझे एक सन्यासी के रूप में जीवन बिताना चाहिए। मैंने अपना पूरा जीवन वसंत उत्सवों, रंगों, नृत्य और गान में बिता दिया। शिकार खेलना, निरीह जीवों की हत्या करना, जीवन के मिथ्या सुखों में मैंने खुद को डुबोए रखा। परंतु अब मैं सत्य को जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि जीवन में हम जिन सुखों की इच्छा करते हैं, क्या वास्तव में वही सुख है या सुख कुछ और ही है? जो हम देखते हैं और अनुभव करते हैं, क्या वही सत्य है या सत्य कुछ और ही है? जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति का मार्ग क्या है? मुझे ये लगा है पुत्र कि जीवन मरण के इस चक्र से मुक्त होने के लिए आवश्यक है कि मैं अपना शेष जीवन एक सन्यासी के रूप में काटूं, जनता के बीच जाऊं और उनके दुखों के कारणों को निकट से अनुभव करूं। परंतु महाराज, अभी आप स्वस्थ हैं, असाधारण रूप से युवा दिखाई देते हैं, फिर ऐसा निर्णय क्यों? राज्य की प्रजा को अपने अनुभवों के लाभ से वंचित ना कीजिए। महामंत्री, मैं भी तुम्हारी ही तरह सोचता था। हम सभी मृत्यु के बारे में जानते हैं, परंतु कभी भी अपनी मृत्यु के बारे में नहीं सोचते। हमें लगता है कि इस धरती पर हमारे असंख्य दिन हैं। हम प्रतिदिन लोगों को मृत्यु का ग्रास होते देखते हैं, फिर भी हमें अपनी मृत्यु का भान नहीं होता। हमें लगता है कि हम कभी भी नहीं मरेंगे। और फिर इसी विचार के साथ एक दिन हम इस शरीर को तो त्याग देते हैं, लेकिन जीवन मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो पाते। महामंत्री, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे सन्यास ग्रहण करने के निर्णय से क्या आप पूरी तरह सहमत हैं? महाराज, जो निर्णय आपने लिया है उचित ही होगा।
आपको क्या लगता है कि क्या कुमारदेव इस अवस्था में राजकाज के कार्यों को संभालने में सक्षम होंगे? जी महाराज, आपके स्नेह और आपके आशीर्वाद से वो इस योग्य हो चुके हैं। वैसे भी उनका शिक्षण प्रशिक्षण आपके अनुभवी हाथों में हुआ है, तो मुझे कोई शंका नहीं होगी। आप किसी बात की चिंता ना करें महाराज। चलिए चलते हैं, चलने का समय होगा। जिस दिन मैंने अपने सिर में पहला सफेद बाल देखा, मैंने जान लिया कि जीवन घट रहा है और मैं मृत्यु की ओर बढ़ रहा हूँ। इस एक सफेद बाल ने मुझे जीवन के तीन भागों, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था की याद दिला दी। ये एक बाल नहीं, यम का दूत है जिसने मुझे बता दिया कि सारा जीवन यूं ही बीत जाएगा। इसलिए मैं अपने परिवार, दरबारियों और इस राज्य से विदा लेता हूं, ताकि मैं सत्य को खोज सकूं और जीवन मरण के इस चक्र को सदैव के लिए त्याग सकूं। अच्छा, मैं चलता हूं। इस कथा की शिक्षा बस इतनी है कि अगर जीवन को सही तरह से व्यतीत ना किया जाए तो लंबे से लंबा जीवन भी निरर्थक है। जो बात राजा मखदेव को जीवन के अंतिम चरण में एक सफेद बाल से समझ में आई, वो किसी असाधारण बालक को बचपन में भी आ सकती है। ये संभव है। और ये भी हो सकता है कि किसी को समस्त जीवन इस बारे में विचार ही ना आए और वो जीवन और मृत्यु के चक्कर में यूं ही फंसा रहे। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया भंते। आपकी बात बिल्कुल सही थी। भगवान बुद्ध आपका कल्याण करे। ओम मणि पद्म ओम। जीवन की राहों पर हमको चलाए, छल और कपट से हमको बचाए, अच्छे बुरे की पहचान कराए, जीवन पथ को रोशन बनाए। ये है जातक कथाएं, ये है जातक कथाएं, ये है।